हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स कैलकुलेटर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 7.4। लुक एट द फिगर एंड राइट सुटेबल साइन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करी हुई है बहुत सारी, और हमें फिर इनको देखते हुए फ्रैक्शंस में साइन पुट करना है कंपेरिजन करके। तो देखिये, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा। ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ये सब में ये पॉइंट क्या है, 1। 1/1, 2/2 भी 1 होगा, 3/3 भी, 4/4, 5/5, 6/6, ये सभी 1 है। मतलब सभी नंबर लाइन में यहां से लेके यहां तक का पोर्शन क्या है, 0 से 1 तक का है। अब फर्स्ट लाइन में हमने कोई भी इसका डिवाइडेशन नहीं करा है, सेकंड लाइन को हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये फर्स्ट हो गया 0/2, लास्ट हो गया 2/2, और सेंटर में क्या हो गया, 1/2। फिर नेक्स्ट में 3 पार्ट्स में, तो ये 1/3, 2/3, 3/3। इसी तरह से 4 में 1/4, 2/4, 3/4, लास्ट 4/4। फिर 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, लास्ट 5/5। और सभी में 5/5 या 6/6 क्या हो गया, होल नंबर 1। लास्ट में 0/6 से 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, लास्ट 6/6। अब इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं हमें इस फिगर को देखते हुए। तो अब आपको ये पता है, नंबर लाइन में कोई भी नंबर राइट साइड में होगा तो वो बड़ा होगा कंपैरेटिव टू अपने लेफ्ट नंबर से। तो अब स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या है, 1/6 और 1/3। तो अब 1/6 कहाँ पर है, ये रहा। 1/3 कहाँ पे है, ये रहा। तो इन दोनों को अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो राइट में कौन सा नंबर आ रहा है, 1/3, लेफ्ट में 1/6। दैट मीन्स कौन सा छोटा होगा, 1/6 इज स्मॉलर देन 1/3। क्या साइन लग जाएगा, ये 1/6 इज लेस देन 1/3। नेक्स्ट पार्ट 3/4, 2/6। तो 3/4 कहां पर आ रहा है, ये रहा हमारा 3/4, और 2/6 कहां पे है, 2, ये रहा। ये पहले वाले मार्क्स मिटा देते हैं जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। तो 3/4, 2/6। अब इसमें साफ क्लियर पता चल रहा है कि राइट में कौन सा है, 3/4। दैट मीन्स बिग कौन सा होगा, 3/4 इज ग्रेटर देन 2/6। लास्ट 2/3, इनको रब कर देते हैं पहले। लास्ट है 2/3, ये है, और उसके बाद है 2/4, ये यहीं पर ही है, ये रहा 2/3, 2/4। अब इसमें देखिए राइट में कौन सा आ रहा है, 2/3 राइट में आ रहा है। दैट मीन्स कौन सा नंबर बड़ा है, 2/3 बड़ा है 2/4 से। और देखिए पहले जो लास्ट क्वेश्चन में आपने पढ़ा है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर कम है वो नंबर बड़ा होगा। तो यहाँ पे आपको नंबर लाइन के थ्रू भी ये चीज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें क्या है, 6/6, 3/3। अब देखिए 6/6 भी यहीं पर है और 3/3 भी यहीं पर है। 6/6 का मतलब भी 1 है और 3/3 का मतलब भी 1 है, ये सेम पोजिशन पे है। डेट मीन यहाँ साइन आएगा इक्वल टू का, 6/6 इज इक्वल टू 3/3। अब लास्ट पार्ट 5/6 का है, ये रहा, और 5/5, इनको रब कर देते हैं, 5/6 और 5/5। तो राइट में कौन सा है, 5/5। तो बड़ा कौन सा हो गया, ये 5/5 बिग हो गया किससे, 5/6 के। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर 6 बड़ा है तो ये नंबर छोटा हो गया ये वाला। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए।